Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Sharuk Nialam College of Health Sciences, Murtha. I am Mani Naseem. Aur jaise ki aap jante hain, anatomy and physiology ka chapter padh rahe the, integumentary system. Isme hum logon ne start kar diya tha skin, jild. Skin ki anatomy and physiology hum dekh chuke the. जिसमें हमने स्किन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके अलावा स्किन के स्ट्रक्चर यानी स्किन के साक को पढ़ा था और स्किन के अफवाह यानी कि स्किन या जेल जो है हमारे समय क्या काम कर रही होती है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, इन चीज़ों को हम कवर कर चुके। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्किन डिजीजेस, जेल की बीमारियाँ। आपके सिलेबस में जो है इनका एक जो है वो स्केबिस के नाम से उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। बाकी एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है उसके अभी से बेसिकली स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, यानी कि स्किन डिजीजेस होती क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी स्किन या इंसानी जिल्द जो होती है जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। ऑलमोस्ट जो तकरीबन 16% यानी कि 16% हमारे जिस्म का हिस्सा या जिस्म का वजन हम कह सकते हैं बॉडी वेट, वो हमारी जिल्द की वजह से होते हैं। क्या हमारी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, इसलिए इसमें बहुत सारी इसने पूरी हमारा जितना भी बॉडी है उसको उसने कवर किया हुआ होता है। तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ सकती है किसी भी वजह से। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या आ सकती है और क्यों आती है, क्या रीजंस होती है कि जो है हमारी स्किन पे कोई रिएक्शन हो जाता है या कोई स्किन जो होती है एबनॉर्मल बिहेव शो करती है, रिएक्शन शो करती है। तो इस लेक्चर में हम इस चीज को कवर करेंगे। स्किन डिजीजेस को स्टार्ट करने से पहले या जिल्द की बीमारियां स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो हमें वो पता होना चाहिए स्किन फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा क्या होता है? बेसिकली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि गट फ्लोरा होता है, यानी कि जो हमारा गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह से स्किन फ्लोरा में हम लोग पढ़ेंगे कि स्किन के ऊपर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बेसिकली स्किन फ्लोरा टू टाइप का होता है, रेजिडेंशियल फ्लोरा और ट्रांजिटरी। रेजिडेंशियल फ्लोरा जो होता है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है, रेजिडेंशियल रेजिडेंसी से निकला यानी कि रिहाइश पजीर होने वाला, तो वो फ्लोरा या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो जरासीम हम कह सकते हैं जो कि हमारी स्किन पे मुसलसल मौजूद रहते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल फ्लोरा। जैसे कि कमेंसल्स, इसमें क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे जिल्द में कोई बीमारी पैदा नहीं करते, ना ही हमारे जिल्द को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। इसकी मिसाल है कैंडिडा अल्बिकेंस। बेसिकली क्या होती है, एक फंजाई होती है, फंगल, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करती है। और आमतौर पे कैंडिडा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ओरल कैविटी में और फीमेल की वजाइना में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बीमारी भी कॉज करता है, अदरवाइज ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता, बस स्किन पे और जो है हमारे वजाइना इन पार्ट्स में मौजूद होती है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप होती है स्किन फ्लोरा की या स्किन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो होती है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का लफ्जी मतलब होता है आरजी तौर पे, यानी कि वो जरासीम या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी जिल्द पर मौजूद नहीं होते, लेकिन आरजी तौर पे या वक्ती तौर पे हमारी स्किन या जिल्द के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है, उनको हम कहते हैं ट्रांजिटरी फ्लोरा। जैसे कि पायोडर्मा, पायो का वर्ड पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डर्मा स्किन के लिए यूज होता है। पायोडर्मा भी दो टाइप के होते हैं, फॉलिकुलर और नॉन फॉलिकुलर। फॉलिकुलर नाम से शो हो रहा है, वो जरासीम जो कि हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं फॉलिकुलर पायोडर्मा। और नॉन फॉलिकुलर पायोडर्मा कौन से होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी स्किन यानी कि हमारी जिल्द की तहों को, जैसे कि एपिडर्मिस और डर्मिस है, और इसमें मौजूद जो फैट सेल्स हैं, जो फैट टिश्यूज हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फॉलिकुलर पायोडर्मा। इस तरह से यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जिल्द की बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, कोई भी हो,
ठीक है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि काज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, और इसके अलावा पेरिसाइट से होने वाली इन्फेक्शन होती है। आज के लेक्चर में चूंकि हमने स्कैबिस पढ़ने हैं, और स्कैबिस जो बेसिकली होती है पैरासाइटिक पैरासाइट से होने वाली इन्फेक्शन होती है, इसलिए आज हम कवर करेंगे पैरासाइट की इन्फेक्शन को। पैरासाइट बेसिकली होता क्या है? पैरासाइट जो होता है, आप एक चीज और जो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी बैक्टीरिया और वायरस अगर जिसम में एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, या डिजीज कॉज करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन है। लेकिन पैरासाइट्स, कोई भी पैरासाइट जो होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्ट, या हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन कॉज बाय द पैरासाइट्स, यानी कि हमारे जिसम में कोई एबनॉर्मलिटी अगर कोई पैरासाइट कॉज करता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। अब पैरासाइट्स होते क्या है? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। यानी कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जानदार होते हैं जो कि किसी होस्ट, होस्ट क्या होता है, यानी कि एक लिविंग होस्ट हमेशा जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिंदा जानदार होता है, जो कि किसी होस्ट यानी कि मेजबान जो होते हैं, जो किसी होस्ट के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और उस एंड गेट इट्स फूड, और या इससे खुराक हासिल करते हैं या उस होस्ट की खुराक पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, या बाकायदा तौर पर उसे यानी कि उसको नुकसान जाहिर है, जब उसे हासिल करेंगे तो उससे जो होता है वो सब करते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और या तो वो जो खुराक खा रहा होता है उसी से अपनी खुराक हासिल करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे जानदार जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं या दूसरे के साथ रहते हैं उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के बाहर रहते हैं, जैसे कि जुए, और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियां भी काज कर सकते हैं। स्कैबिस भी जो है वो एक्टोपैरासाइट की वजह से होने वाली एक बीमारी है। और एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो का वर्ड इनसाइड या विदिन, यानी कि वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे वर्म्स वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। दोनों बीमारियां काज कर सकते हैं। स्कैबिस जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम स्कैबिस में पढ़ेंगे, इसमें जस्ट पैरासाइट इन्फेस्टेशन में हम पढ़ेंगे स्कैबिस के बारे में। बेसिकली स्कैबिस होती क्या है, इसे आम जबान में हम कहते हैं जल्दी खारिश, खुरचना, बहुत ज्यादा खुरचना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैबिस। बेसिकली क्या होती है, ये एक जल्द की बीमारी है जो कि एक माइट, माइट क्या होता है, एक ऐसा पैरासाइट जो कि आठ, जिसके अंदर आठ टांगे होती हैं, या हम कह सकते हैं फोर पेयर्स ऑफ लेग, यानी कि चार टांगों के जोड़े होते हैं या आठ टांगे होती हैं, उसको हम बोलते हैं माइट, जो कि स्कैबिक एक जिल्द की बीमारी है जो कि एक माइट सार्कोपीड्स स्कैबी की वजह से होती है। ये माइट जिल्द में दाखिल होकर अपने बिल बना लेते हैं जिसकी वजह से शदीद खारिश होती है, इसको आम जबान में जल्दी खारिश भी कहा जाता है। स्कैबिस चार से छह हफ्तों में अपना असर दिखाती है और एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी है। हम लोगों ने पढ़ा था इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में, बेसिकली क्या होता है स्कैबिस, अगर स्कैबिस का कंसेप्ट हम देखें तो वी कैन से ये एक आम से जल्द की बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती है, और इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, चार से छह हफ्ते। बेसिकली क्या होता है, जब भी ये माइट किसी जानदार के अंदर दाखिल होता है या बॉडी पे उसकी आ जाता है तो क्या करता है, उसके जिल्द के अंदर घुस के ही अपने बिल बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है शदीद खारिश होती है, और ये खारिश ज्यादातर रात के वक्त या नहाने के फौरन बाद होती है, जितने ज्यादा होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एट अ टाइम 10 से 12 जो होते हैं वो माइट्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये आम आंख से नहीं दिखते लेकिन इतने छोटे होते हैं कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके बारे में तो क्या होता है कि कहीं भी हो सकती है इस जिल्द में हमारी, आमतौर पे उंगलियों के दरमियान, कलाई, हथेली, कोहनी, गर्दन, छाती या तलवों पे भी हो सकती है, और इसके अलावा ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, इसकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ बच्चों में होगी या बड़ों में होगी, किसी भी एज में ये हो सकती है।
नेक्स्ट ये डायग्राम अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस कैबिस की डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में जो हमारे इस तरफ है, ये आपको काफी सारे दाने एक ही कतार में नजर आएंगे। बेसिकली क्या होते हैं, ये बिल बना के रहती है, ये इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब ये आमतौर पे इतने उभार वाले नजर नहीं आते, लेकिन जब इसका अटैक होता है और जब ये खारिश होती है, रैशेज होते हैं, जब इंसान इनको खुरचता है, खारिश करता है, इचिंग होती है इस पे, तो क्या होता है, ये उभार जो ये लाइन है ये प्रोमिनेंट हो जाती है, इससे साफ दिखता है कि बिल्कुल एक लाइन में ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी अलामत देखते हैं कि इसकी अलामत क्या होती है, बेसिकली जो माइट के बिल, सबसे बड़ी इसका हाल मार्क या अलामत जिसको हम कह सकते हैं, वो है माइट के जो बिल होते हैं, एक बारीक लाइन की नुमा मौजूद होते हैं जिनकी रंगत गहरी सुरमई या सिल्वर रंग की होती है, और इन बिल की लंबाई या इस लाइन की लंबाई हम कह सकते हैं 2 से 10 मिलीमीटर तक होती है। खारिश के बाद ये बिल जो होते हैं वो वाजे हो जाते हैं। इसके अलावा मजीद अलामत में जो हम कह सकते हैं वो शदीद खारिश, जिसे हम ईचिंग भी बोलते हैं, खासतौर पर रात के वक्त और नहाने के फौरन बाद, गुसल के फौरन बाद शदीद किस्म की खारिश होती है। इसके अलावा रैशेज, रैशेज क्या होते हैं, आमतौर पर सुर्ख रंगत की उभरी हुई जिल्द को हम कहते हैं यहाँ पे रैश पड़ के, रेडनेस होती है उसको हम रैश बोलेंगे। ज्यादा खारिश, इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होते हैं, पेचीदगियां में बहुत ज्यादा खारिश करने की वजह से जिल्द पे जख्म बन जाते हैं जिसको हम सोर कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि वहां पर जख्म बन चुका है, एक तो ऑलरेडी वहां पर माइट मौजूद है, उसके अलावा उस पर बैक्टीरिया भी अटैक कर सकती है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि एक डिजीज के बाद हो उसको हम बोलते हैं किसी और बीमारी के नतीजे में हो सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्या होता है बेसिकली, इसको एक दफा देख लेते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, माइट के सुराख जिसे हम बोरोस कहते हैं, ये बिल जिल्द पे बारीक लाइन नुमा मौजूद होते हैं जिनकी रंगत गहरी या सिल्वर जैसी होती है, इनकी लंबाई तकरीबन 2 से 10 मिलीमीटर तक होती है, ये आमतौर पे उंगलियों कलाइयों के सामने की जानब और हाथों के कतरे ढीली जिल्द पे बाहर जाते हैं, ताहम ये जिल्द के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं। रैश या खारिश होने पर हम इन बिलों को देख सकते हैं। खारिश जिसे हम ईचिंग कहते हैं, ठीक है, खारिश अक्सर शदीद होती है, पहले पहल सिर्फ एक आम से हाथों पे स्टार्ट होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाती है। बाकी अलामत में इसकी आती है रैश, खारिश शुरू होने के बाद जिल्द पे रैश लहर होना शुरू हो जाते हैं, ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं जो दिल को दागदार, सुर्ख और उभरा हुआ बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे जिल्द पे बल इनके बिल मौजूद होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसकी जो तशखीस है हम वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली स्केबिस की जो तशखीस है वो बहुत आसान होती है। इसकी अलामत सबसे बल्कि ये जो लाइन टाइप होते हैं, लाइन की तरह के जो बिल होते हैं, इसको देख के जो है इजीली डायग्नोस किया जा सकता है कि ये स्केबिस है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि मच्छर के काटे का निशान है या एलर्जिक कंडीशन है या स्केबिस है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट है वो कराए जाते हैं, उन बाद में देखते हैं। अब उसके बाद है कि फैलता कैसे है, फैलाव कैसा होता है। वे हमने पढ़ा है कि स्केबिस जो है वो फैलने वाली बीमारी है। स्केबिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को जस्ट ऐसे नहीं होती कि आपने हार्ट टच किया या उसे गले मिले या हैंड शेक किया तो उसको स्केबिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्केबिस तब होती है जब एक लंबे अरसे तक आप उस पर्सन के साथ जो मुतासर मरीज है उसके साथ कंटेक्ट करते हो। बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफर कैसे होती है इंसान के अंदर, आलूदा पानी, इसे हम वाटर वॉश डिजीज भी कहते हैं, यानी कि आलूदा पानी से अगर किसी पर्सन ने नहाया है या हैंड वॉश किए हैं तो सूरत में इसको ये हो सकती है और एक बंदे से दूसरे बंदे में तब आ सकती है, एक मरीज से दूसरे इंसान में तब आ सकती है जब ज्यादा लंबे अरसे तक उसके साथ कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं उन केसेस में ये होते हैं, मदर से बच्चों के अंदर होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, इस तरह की कंडीशन जो होती है। वरना अगर, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप उस पेशेंट का फौरन बाद कोई टॉवल इस्तेमाल करते हैं जैसे उस पेशेंट ने यूज किया, तब आपको होने के चांसेस होते हैं, या उस कंडीशन में कि उसकी बेडशीट्स जो होते हैं, कपड़े जो है पेशेंट के फौरन, यानी कि एक पेशेंट ने जो भी चीज इस्तेमाल की है कपड़ों के लिहाज से, तो उसके जरिए फैल सकती है,
या आप उसको एक लंबे अरसे तक कांटेक्ट कर रहे हो तो उससे भी आपको हो सकती है, और उम्र के किसी भी हिस्से में होती है, ठीक है। लेकिन जब डायग्नोस हो जाए तो उस पेशेंट से बिल्कुल हमने कपड़े वगैरह अलग कर लेने चाहिए। और जो ये माइट है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये माइट जो इंसानी जिस्म से सिर्फ जो है चंद घंटे जिंदा रह सकती है बाहर, बाकी ये जिंदा नहीं रह सकती। तभी ये असर करती है जब दिल के अंदर अटैक करती है और लंबे अरसे तक होती है, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस के बारे में देख लेते हैं। तशखीस, तशखीस बेसिकली क्या होती है, अलामत के लिहाज से मैंने हम लोगों को बताया कि इसके अलामत देख के गेस कर लिया जाता है कि ये स्कैबीज ही है या जिसको हम जल्दी खारिश कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कभी हो कोई एलर्जिक रिएक्शन में कंफ्यूजन हो रही होती है तो स्किन स्क्रैचिंग टेस्ट करवाया जाता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो होते हैं पेशेंट की स्किन जहाँ पे मुतासर होती है, जहाँ पे दाने होते हैं, उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके, स्क्रैच का मतलब होता है कुरचना, उसको फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर उसके अंदर मार्स मौजूद होते हैं तो ऑब्वियसली उसके एग्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कन्फर्म हो जाता है कि स्कैबीज ही है। इसके अलावा बहुत ईजी है इसको डायग्नोज करना, जो इसकी साइन एंड सिम्टम्स है उसी की बेस पे जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका हम ट्रीटमेंट जो है इलाज वो कर पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है बेसिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।